हाँ जी, गुड इवनिंग सबको। प्रेज द लॉर्ड। हाँ जी, कैसे हो आप सब? हाँ जी, जाम सीखी जी। हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, फाइन। डोंट मेक नॉइज। हाँ जी, फाइन। इस तरह ना करो यार, बाहर चलो। हाँ जी, प्रेज द लॉर्ड जी। हाँ जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है। मैंने कल साइमन कमीशन बताया था आपको। साइमन कमीशन का रिलेशन किस एक्ट से है? हाँ जी, साइमन कमीशन का संबंध किस एक्ट से है? जोबनप्रीत सिंह गिल बिल्कुल सही आंसर है, और अमनदीप कौर और हरप्रीत कौर, हरसिमरनप्रीत कौर और ये जगजीत कौर, ठीक है। और शन्ना, आप सभी को भी ना, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आप सभी को। साइमन कमीशन 10 साल बाद
जो 1919 का एक्ट था, 10 साल बाद इसकी इंक्वायरी करने के लिए क्या रियल में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनी है या नहीं बनी, इस चीज को देखना था। लेकिन सर जॉन साइमन इसके इंचार्ज थे, ठीक है, पहले 2 साल पहले ही उनको अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसकी रिपोर्ट पे एक बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि इसकी रिपोर्ट पे व्हाइट पेपर इशू किया गया और इसकी रिपोर्ट पे पार्लियामेंट ने एक नया लॉ पास किया जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, ठीक है। तो बीच में एक क्यूमिनल वार्ड भी आया 1932 में, रैमसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी मिनोरिटी को, और जिसे क्यूमिनल वार्ड कहा जाता है। क्यूमिनल वार्ड क्या था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था जो मैकडोनाल्ड, ने ऐसी लोगों को रिजर्वेशन दे दी, ठीक है। लेकिन लेकिन महात्मा गांधी, ठीक है, जो फादर ऑफ नेशन थे, वो इसमें, हाँ जी, इस एक्ट के तहत एससी को और क्रिश्चियन, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम, सिख सभी को रिजर्वेशन दे दी। और गांधी जी इस बात पे, बापू जी खफा हो गए, ठीक है, उन्होंने मरण वर्त लिख रखा जारदा वारदा जेल में, ठीक है। जारदा वारदा जेल कहाँ है, पूना में। और फिर बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, गांधी जी चाहते थे कि ये रिजर्वेशन ना मिले, ठीक है, और इसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट था, ठीक है। तो बी आर अम्बेडकर जी और बापू जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ, जो पूना पैक्ट बहुत फेमस है, जिसमें इन सारी चीजों की सेटिंग की गई, ठीक है। तो रिजर्व सीट्स रखी गई ऐसी समाज के लिए। तो ये था क्यूमिनल वार्ड, ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड, ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर का नाम है जिन्होंने रिजर्वेशन दी थी, ये पूना पैक्ट। तो मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा, चलो मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये ना मूवी देखें आप, एक गांधी मूवी, ठीक है, ये मैं सभी को, मेरी हिदायत है, इंस्ट्रक्शंस है कि सभी ने गांधी मूवी देखनी है, ठीक है, 2-3 घंटे की मूवी है, ठीक है, उसमें ये सारी चीजें आप सीखेंगे, ठीक है। लेकिन ये देखो, आपने मूवी देखनी है, कोई नहीं देखेगा, क्यों 2 घंटे वेस्ट करें, ठीक है। तो आपने जरूर देखनी है, वहां पे दर्शन करने हैं बापू जी के, ठीक है, तो आपने ये मूवी अवश्य देखनी है, ठीक है। तो ये देखने से आपकी हिस्ट्री भी क्लियर होगी और पॉलिटी भी क्लियर होगी, ठीक है। मैं आपसे ये चीज कहता हूं कि हिस्ट्री पढ़ने से कम आती है और देखने से ज्यादा आती है, ठीक है। आप कोई चीज देखते हैं तो विजुअलाइजेशन मेथड बड़ा स्ट्रांग होता है। मैं 10th क्लास में था जब मैंने शोले फिल्म देखी, तो मुझे आज भी डायलॉग याद है, ठीक है, वो गब्बर सिंह, ठीक है, सरदार हमने आपका नम खाया, चलो पहले नम खाया था अब गोली खा, ठीक है। देखो ये डायलॉग, देखो ये 1997 में मैं था 10th क्लास में, ठीक है, तो अब देखो 22 साल हो गए, 22 साल हो गए, ठीक है, हाँ, कितने आदमी थे कालिया, ठीक है। तो हिस्ट्री देखने से आती है, पढ़ने से नहीं आती। तो आप गांधी मूवी सबने देखनी है, ठीक है। तो वही डायलॉग दीपांशु सर के भी एक दिन स्टेटस पे लगा था कि सरदार हमने आपका नम खाया, फिर डॉक्टर आ गई, कहते नम कम खाओ आपका बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ठीक है।
हाँ जी, तो कल शाम को सबने बापू मूवी देखनी है, और जिसने भी ना देखी ठीक है तो उसके सभी लड्डू वापस ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने मुझे ग्रुप में मैसेज करना है कि यस वी हैव सीन इट। ठीक है, वहां पे भूचाल ना आ जाए मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि यस वी हैव सीन इट दिस मूवी। देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस आई विल आस्क यू। आपके मॉडर्न हिस्ट्री इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप पढ़ने से नहीं होगी मॉडर्न हिस्ट्री आपकी स्ट्रांग, जितनी देखने से हो जाएगी। हाँ जी, मेरी मूवी देखनी है आपने, सर्च करना है ठीक है यूट्यूब पे जाके। नहीं नहीं सॉरी, मेरी मूवी नहीं, बापू की मूवी, गांधी मूवी। ठीक है, हाँ जी, ये दो है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। जो अंग्रेज लोग हैं वो इंग्लिश वाली देख सकते हैं ठीक है, बाकी हिंदी देख सकते हैं। चलो कोई बात नहीं है, जो मर्जी देखना। आज हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। देखो, जो हमारा कंस्टिट्यूशन है, सबसे ज्यादा इसमें से लिया गया है जो। ठीक है, तो आज हम इसकी मेन फीचर्स पढ़ेंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, आप लेट हो गए। हाँ जी, जो भी लेट आए वो गुड इवनिंग ना करे ठीक है। चोरा चोरी नहीं, नहीं सॉरी, चोरा चोरी छुपके छुपके हौली हौली क्लास ज्वाइन करे ठीक है। कल चोरा चोरी इंसिडेंट सी, तो चोरा चोरी माइंड में रहता है। चलो कोई बात नहीं, चल जाएगा चोरी चोरी ठीक है। तो वो चोरी चोरी ज्वाइन करें। हाँ जी, क्या एक्ट, क्या फीचर्स हैं इसकी? ओके ओके, हाँ जी, कोई गुड इवनिंग ना करे फिर मुझे पता चल जाता है कि ये अभी लेट आया ये। ठीक है, ये तो उल्टा ही है काम। ऑफिस का टाइम 9 बजे होता है, सारे 9:30 जाते हैं ठीक है। तो कोई भी टाइम दे दो किसी को, 20 मिनट आधा घंटा तो लेट होते हैं हम लोग। एडवांस किस चीज में होते हैं ठीक है, एडवांस टाइम में कहाँ जाते हैं? यहाँ खाने पीने की चीजें होती है, लंगर लगाओ ठीक है, टाइम से पहले पहुंचते हैं ठीक है। कहीं डांस पार्टी हो, टाइम से पहले पहुंचते हैं ठीक है। क्लास हो, संगत हो ठीक है, तो लेट पहुंचते हैं। हॉस्पिटल में भी जल्दी पहुंचते हैं, शादी में भी जल्दी पहुंचते हैं ठीक है। चलो, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। चलो देखो, पंक्चुअलिटी होनी चाहिए। मैं तो बहुत पंक्चुअल हूँ भाई ठीक है। जिस दिन मेरी शादी हुई मैं तो 9 बजे का टाइम दिया था सुबह, और 8:55 पे पहुंच गया ठीक है। मैं कभी, मैंने अपने इन-लॉज को बोला कि जो भी आपका सामान है खाने पीने का, हम वेस्ट नहीं होने देंगे, हम पूरी बारात लेके आए हैं ठीक है, बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे। ओके ओके ओके, हाँ जी,
तो हम इसकी मेन फीचर्स करते हैं। तो वहां ऑल इंडिया फेडरेशन बनाया गया, ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। देखो मैंने फेडरेशन चैप्टर आपको कराया था, फेडरलिज्म, ठीक है। तो इन्होंने प्रोविंस और प्रिंसली स्टेट को यूनिट माना, प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट। ये प्रोविंस क्या होती है, स्टेट को प्रोविंस भी कहते हैं, स्टेट और प्रोविंस में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट जहां पे राजा राज करते थे, प्रिंसली स्टेट, प्रिंसली स्टेट, ठीक है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, देश आजाद होने से पहले कितने राजाओं के राज थे, प्रिंसली स्टेट कितने थे, प्रिंसली स्टेट किसी ने पढ़ा हो कितने थे प्रिंसली स्टेट? चलो ये अमित का गलत आंसर है, ये विक्रम 562 बिल्कुल सही आंसर है, 562 इज द करेक्ट आंसर। विक्रम ग्रेट सिक्सर बाय यू, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं, ठीक है जी। चलो नहीं लड्डू वापस नहीं करेंगे, ठीक है, लड्डू वापस नहीं करेंगे। नहीं ज्योतिका ऐसा नहीं, हाँ जी चलो। ये राजा भी बड़े कमाल के थे, देखो दो तरह का राज था, मतलब एक तो ब्रिटिश लोगों का, एक इन राजाओं का, ठीक है। तो ये महान आत्माएं थी, ये राजा लोग, कितनी वाइफ सी, 400-400 वाइफ सी इनकी, वाइफ 400-400, ठीक है, जैसे पोल्ट्री फार्म होता है, ठीक है। तो अरे भाई इतनी शादी कर करके क्या साबित करना चाहते हो? मेरे ख्याल में तो राज इनका इसलिए रहा कि इतनी शादियां थी, इतने रिश्तेदार, राज तो अपना ही हो गया फिर, बिल्कुल सही है, ठीक है, सही था राज इनका। ब्रिटिश इंटरफियर नहीं करते थे इनके काम में, ठीक है। फिर जे 1000 बीवी हैं तो बच्चे कितने हो गए, आप ये भी अंदाजा लगा लो, ठीक है। इसलिए तो देश गुलाम हुआ ब्रिटिश का, आप ये मैसेज समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? हाँ जी ये मैसेज समझ आया या नहीं आया? इसलिए तो हम ब्रिटिश के गुलाम हुए, इन राजाओं की वजह से। हाँ जी नहीं मेरी बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी ये मैसेज समझ रहे हैं ना? गुजरात में जो राजा था सौराष्ट्र का, ठीक है, वो कहता मैं अपना देश बनाऊंगा, वल्लभ भाई पटेल ने अटैक कर दिया, ठीक है, तो वो पाकिस्तान भाग गया जहाज में बैठ के। तो वो कुत्तों को बहुत प्यार करता था, ठीक है, साथ में कुत्ते ले गया 10-12 अपनी, लेकिन सारी बीवियों को छोड़ गए यहाँ पे, ठीक है। तो हाँ जी तो ये ऐसे राजा भी हुए हैं, ठीक है। तो इस एक्ट में प्रोविजन थी फेडरलिज्म की, हाँ प्रधानमंत्री एपिसोड में देखा है, सुमनप्रीत कौर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, रोहित ये सब एपिसोड में देखा है आपने लोगों ने, मैं भी वहीं देखा है, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा तो आप प्रधानमंत्री एपिसोड देखते हैं?
जम्मू कश्मीर का राजा नहीं था वो, आप गलत कह रहे हैं, गुजरात का राजा था, गुजरात में। हैदराबाद का नहीं था भाई, हैदराबाद तो आंध्रा में है, हैदराबाद का नहीं था। नहीं, नॉट एट ऑल, सौराष्ट्र का। ठीक है, चेक करना आप। ठीक है, ये तीन ही राजा थे जो ब्रिटिश के इंडिया के साथ, हाँ, गोल्ड भी लेके गया था। बिल्कुल सही है भाई, सही कह रहे हैं आप, सोना ले गया। ठीक है, ठीक है। वो नहीं, हैदराबाद का नहीं था शिवम, यू आर नॉट श्योर, अभी चेक करो, अभी चेक करो, अभी चेक करो। हैदराबाद वाला पाकिस्तानी भागा था, अभी चेक करो, गूगल बाबा पे चेक करो, देखो आज मैं सही होता हूं जब शिवम शौर कह रहे हैं, तो आज पता लगेगा गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। देखो वहां पे प्लीबीसेट हुई थी गुजरात के उस स्टेट में, वो जेके नहीं था अमिताभ, क्या कह रहे हो, जम्मू कश्मीर वाला राजा नहीं था वो, राजा हरि सिंह था, लेकिन हम कुत्ते वाली बात कर रहे हैं, ये कुत्ते वाला। हाँ जी, चेक करो, चेक नहीं किया, हाँ जी करो चेक, का भी चेक करो। चलो, सौराष्ट्र रीजन में एक है जूनागढ़, जूनागढ़, जूनागढ़ का राजा था वो, चेक करो भी। ठीक है, जूनागढ़ गुजरात में है, जहां पे दाढ़ी वाले शेर पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे प्लीबीसेट हुई थी, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कहाँ लोगों की राय ली गई। ठीक है, प्लीबीसेट क्या होता है, ये पॉलिटी की टर्म है, लोगों से पूछा जाता है कि आप किस देश में रहना चाहते हो, उनके उनके रेफरेंडम ली जाती है एक तरह की। ठीक है, पब्लिक ओपिनियन ली जाती है कि लोगों ने कहा कि हम इंडिया में रहना चाहते हैं, तो जूनागढ़ को इंडिया में शामिल कर लिया था। हाँ जी शिवम जी, हाँ जी क्लियर है, हाँ जी बोलो। शिवम कहाँ गए भाई, हाँ जी नवाब ऑफ जूनागढ़, मान गए। ठीक है, थैंक यू सो मच, आप मान गए। ठीक है, इसलिए कहते हैं गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। चलो, अच्छी एफर्ट्स आपकी। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात, सारी उम्र याद रहेगा आपके। ठीक है, देखो आपके एटलस नहीं क्लियर, एटलस नहीं क्लियर आपके। एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो चीज इंसान की गलत होती है वो ज्यादा याद रहती है। ठीक है, ठीक है, जो गलत होता है जो ज्यादा याद रहता है। ठीक है, इसलिए किसी ने गलतियां नहीं करनी कि ज्यादा याद होता है। ठीक है, चलो
इसलिए मैं कहता हूं एटलस क्लियर करो अपना। एटलस क्लियर नहीं है, ठीक है। जब भी हम मिलेंगे तो मैं आपको एटलस कराऊंगा, इंडिया का, वर्ल्ड का, पंजाब का, ठीक है। मेरे तो सारा याद है भाई, आपके याद हो ना हो, ठीक है। हाँ जी मैं कर लूंगा, चलो आप मत करो, मैं आपकी जगह मैं कर लूंगा सारा कुछ, ठीक है। सही आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, मैं ही पढ़ लूंगा, ठीक है। और ट्रेनिंग भी मैं ही कर लूंगा मसूरी में, ठीक है। चलो आप मेरी ड्यूटी लगाते हैं, पेपर तो आप ही देंगे, मैं नकल में विश्वास नहीं करता, ठीक है। हाँ जी सैलरी आप रख लेना, कोई बात नहीं। चलो कोई बात नहीं, डेफिनेटली यू विल बी अवार्डेड विद गुड जॉब बाय गॉड। आप मेहनत करो, मेहनत रंग लाती है, मैंने अपनी लाइफ में देखा है कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती, ठीक है। आप जितनी भी आप में कोई कमियां हैं, ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं, उनको आप, उनका ट्रीटमेंट करिए आप, ठीक है। देरी हो सकती है, ठीक है, पेशेंस रखना आपने। 1 साल में नहीं होता, 2 साल में हो जाएगा, दूसरे साल नहीं होगा, तीसरे साल हो जाएगा। यू मस्ट हैव द पेशेंस। आप बस धीरे धीरे डेली थोड़ा थोड़ा दाना चुगते रहो, चुगते रहो, चुगते रहो, डेफिनेटली आप सक्सेस तक तो पहुंच जाएंगे। ओके, कल CDSM, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, ठीक है। हाँ जी यहाँ एक फेडरलिस्ट फेडरलिस्ट में कितने सब्जेक्ट थे? 59। और एक प्रोविंशियल प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें 54। तो आज कंपेयर करो, आज से कंपेयर करो, आज कितने सब्जेक्ट हैं? हाँ जी आज कितने सब्जेक्ट हैं बोलो। पता नहीं। अंकेत, ये ग्रेट सिक्सर बाय अंकेत, 97 सेंटर के पास है। हरसिमरन, इंद्रजीत, सभी के सही आंसर है, जगजीत सॉरी, और ये जोबनप्रीत 90, रोहित, सभी का आंसर सही आ रहा है। ये विकास और मोनिका, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। 97। और स्टेट के पास कितने हैं? 66। 66 स्टेट के पास है। चलो तो इस एक्ट में ये प्रोविजन थी, ठीक है। और रेजिडरी पावर किसको दी गई? वायसराय को दी गई। तो आज रेजिडरी पावर किसके पास है बोलो? रेजिडरी क्या होता है? जो सेंटर, स्टेट और कंकरेंट में नहीं आता उसे बची खुची शक्तियां कहते हैं। बची खुची शक्ति किसके पास है? सेंटर के पास है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेंटर के पास है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कहते हैं ये फेडरेशन में प्रिंसली स्टेट ने ज्वाइन नहीं किया, राजाओं ने ज्वाइन नहीं किया। प्रिंसली स्टेट ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? हाँ जी, तो इस फेडरलिज्म को
प्रिंसली स्टेट ने क्यों नहीं ज्वाइन किया? है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही है। वो पावर छोड़ना नहीं चाहते थे वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, डैर की इन्होंने खत्म कर दिए सेक्ट में, डैर की DYARCHY, डैरकी को खत्म कर दिया। ये क्या था भाई डैरकी? इस एक्ट में डैरकी को खत्म कर दिया, क्या था डैरकी? ड्यूल गवर्नमेंट, कल मैंने कराया था। ये ड्यूल गवर्नमेंट किस किस की थी? एक गवर्नर की, वायसराय की, और दूसरी इंडियन लोगों की। ठीक है, सब्जेक्ट ट्रांसफर हुए थे, एक रिजर्व सब्जेक्ट थे, एक ट्रांसफर सब्जेक्ट थे। हाँ जी, इसके तहत स्टेट गवर्नमेंट को पूरी शक्ति दी गई, और 1937 में इलेक्शन हुए स्टेट के। ठीक है, जैसे आज स्टेट को पूरी शक्ति है, वैसे स्टेट को पूरी शक्ति दे दी। तो यहाँ डैर की सेंटर पे बनाई गई, डैर की सेंटर पे, स्टेट में खत्म करके डैर की कहाँ बना दी? सेंटर में। तो हौली हौली इंडियन लोगों की जो रिप्रेजेंटेशन थी वो सेंटर में ले गई। बोलो, ये चीज क्लियर है? डैर की सेंटर से हटा के डैर की कहाँ लगा दी? सॉरी, स्टेट से हटा के कहाँ लगा दी? सेंटर में। तो डैर की क्या थी, मतलब एक्चुअली कोई बता सकता है डैर की क्या थी? मैंने वैसे बहुत एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश की आपको, क्या थी डैर की? डबल रूल, किस किस का रूल? एक ब्रिटिश का और एक हमारे लोगों का, हमारे लोगों का, इंडियन लोगों का। हाँ जी, ये चीज समझ रहे हैं जो आप नहीं समझ रहे? बोलो, ये चीज समझ रहे हैं जो नहीं समझ रहे? एक तो गोरे लोग थे, एक हम लोग थे। ठीक है, दोनों को रूल करने को बोल रही थी ये चीज। हाँ जी, तो 11 स्टेट से 6 स्टेट में बाइकैमरलिज्म हुआ। बाइकैमरलिज्म मतलब? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं शिवम। साइन तो गवर्नर ही करता था लॉ बनाने के लिए, ये सही है। हाँ जी, स्टेट्स में बाइकैमरलिज्म लाए, बंगाल, बंबे, मद्रास, बिहार, असम, इसे बाइक्रिमिनलिज्म लाई, लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली, जो आप आज भी बाइक्रिमिनलिज्म देख रहे हैं, आज भी बाइक्रिमिनलिज्म है। कितनी स्टेट में बाइक्रिमिनलिज्म है आज भी? बोलो, 6 में, बिल्कुल सही। ये ग्रेट सिक्सर शिवम, हरसिमरन, अमित। अरे भाई अमित, अमित आप तो अमित शाह बने पए हैं, 2-3 लेक्चर से हैं। चलो, बहुत बहुत ब्लेसिंग आप सभी को। ये मोनिका, रोहित, सभी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये सुमनप्रीत कौर और गिलप्रीत, ठीक है, मनप्रीत कौर, पल्लवी, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। दिया शर्मा, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। दिया, आपने सही आंसर दिया। आपको
क्या नाम है भी, नाम भी बता दो इनके। एक तो एल ए, एक एल सी, एक एल ए, एक एल सी। हाँ जी, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, सही कह रहे हैं आप। विधानसभा एंड विधान परिषद। हाँ जी, कहते क्यूमलर जो अवार्ड था उनको और बड़ा किया गया, एससी के अलावा वीमेन और लेबर इनको भी। हाँ जी, हाँ जी, रोहित आप किस बात के लिए सॉरी फील कर रहे हैं? चलो कोई बात नहीं है। हाँ जी, तो वीमेन एंड लेबर क्लास को भी रिजर्वेशन दी गई, इन्होंने अबॉलिश कर दिया काउंसिल ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। ठीक है, इन्होंने जो इंडियन काउंसिल ऑफ इंडिया बनाया था, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वो सभी को खत्म कर दिया। एट एक्सटेंडेड फ्रेंचाइज। हाँ जी, हेलो, इतनी पैसे से पता नहीं कितने। हाँ सहमत क्यों हो? जी, हाँ जी, करा दो। हाँ जी, इन्होंने फ्रेंचाइज को एक्सटेंड किया। टेन ठीक है, बताओ। परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन गॉट द वोटिंग राइट, 10% लोगों को वोट का राइट मिला। मेरा आपसे क्वेश्चन है, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में दिया गया है कि सभी को बिना किसी भेदभाव से सभी को राइट टू वोट है, जो 18 या 18 से कम ज्यादा है सभी को राइट टू वोट है, किस आर्टिकल में? 326। अंकित बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग मेरी तरफ से, लड्डू। 326, ठीक है, लेकिन आईपीसी की सेक्शन तो 326 बहुत खतरनाक है भाई, हेलो, किसी को पता है या नहीं पता? 326 आईपीसी लॉ वाले बच्चों को पता होगा, ठीक है, किसी को खतरनाक हथियार से, तेज तार हथियार से किसी पे अटैक करना, ठीक है, ये 326, सेक्शन 326 आईपीसी की धारा में दी गई है। इसके तहत आदमी को उम्र कैद, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ग्रीवियस हर्ट, उम्र कैद और कम से कम 10 साल की सजा इसमें मिलती है। तो इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि जब वोट पड़ती है तो वहां पे तेज तार हथियार, कृपाण वगैरह ऐसा हथियार चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो कुछ यहाँ बूथ कैप्चरिंग होती है, कहीं कुछ होता है, कहीं, ठीक है, तो कहीं जगह कोई वो गीत की तरह के शरेआम तका करदा है, ऐसा कुछ करके चलता है सब, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट। लेकिन ये 10%
ब्रिटिश के टाइम जो लोग टैक्स पे करते थे, राइट राइट टू वोट सिर्फ उन लोगों को ही था। आम लोगों को राइट टू वोट नहीं था, आम लोगों को, गरीब लोगों को, आम लोगों को, आम आदमी को। ठीक है। और आरबीआई बनी, ठीक है, इस एक्ट के तहत आरबीआई बनी कि एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाए टू कंट्रोल द करेंसी एंड क्रेडिट ऑफ द कंट्री। मेरा आपसे क्वेश्चन है, आरबीआई का गवर्नर कौन है इस टाइम? आरबीआई का गवर्नर कौन है? शशिकांत, अमित सिंह, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शक्तिकांत, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं। शक्तिकांत दास, दास है ये, कांत दास है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ जी, इसमें एक यूपीएससी बना, आपका फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, और एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन आया, और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, टू और मोर प्रोविंसेस। तो इस स्टेट में ये सारी चीजें, और एक फेडरल कोर्ट बनी, ठीक है, फेडरल कोर्ट जिसको आज हम क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। तो जब भी आपने स्टडी करनी है, आपने कंपेयर करके करनी है, और जब कंपेयर करेंगे फिर आपको जो स्टडी है वो ज्यादा समझ आएगी। और इसके बाद इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 करते हैं हम, ठीक है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, लेबर पार्टी के थे ये क्लेमेंट एटली, इन्होंने डिक्लेयर किया कि 3 जून 1948 तक हम इंडिया को छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर आपको पता ही है, ये मुस्लिम लीग है जो पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, तो माउंटबेटन प्लान आया, ठीक है, और इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, ठीक है, फिर ये इंटरिम गवर्नमेंट बनी, ठीक है। तो फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ, ठीक है। इसकी मेन फीचर्स अब करते हैं, क्या थी इनकी मेन फीचर्स, हम वो देखते हैं। पहला था एंड, किस चीज का एंड? ब्रिटिश रूल का एंड, और इंडिया को सॉवरन स्टेट डिक्लेयर कर दिया 1947। फिर ये पार्टीशन की बात करता था, दो डोमिनियन, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। तो ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते थे, ठीक है। तो ये भी एक प्रोविजन थी कि आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग हो सकते हैं। तो आप मुझे बताएं ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ क्या था? मैंने आपको कल बताया ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, बताएं, आज भी हम मेंबर हैं इसके, लेकिन ये प्रोविजन थी कि आप देखो लग रहना चाहते तो लग हो सकते हैं। हाँ जी, ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम, शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। जो लोग ब्रिटिश के गुलाम रहे, जो देश, कितने देश हैं ये ब्रिटिश के गुलाम? हाँ जी, कितने लोग हैं? एट, बिल्कुल गलत है, एट नहीं है। कितने लोग ब्रिटिश के गुलाम रहे, कितने कितने देश? हाँ जी, गलत गलत, सभी के लड्डू वापस में किए जाते हैं। नहीं जी, गलत है शिवम, गलत है। ये कोमल का बिल्कुल सही आंसर है, ग्रेट सिक्सर बाय कोमल। आपको कोमल बहुत बहुत ब्लेसिंग और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। 54 इज करेक्ट आंसर, मनप्रीत कौर, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। हाँ जी, दिया, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया, आपको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग। हाँ जी, इसलिए कहते थे कि ब्रिटिश का कभी सूरज नहीं छिपता,
क्योंनी छिपता 54 कंट्री पूरे वर्ल्ड में, तो कहीं ना कहीं तो सूरज होता ही था। ठीक है, तो इस एक्ट में यह प्रोविजन रखी गई कि देखो पाकिस्तान और इंडिया चाहें तो कॉमनवेल्थ से बाहर भी हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने सोचा कि भाई जिसके हम गुलाम रहे अब उनसे अलग होना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हमारी कुछ हेल्प करेंगे, हमें कुछ देंगे, क्योंकि हम तो गरीब हैं, हमारे से तो कुछ ले नहीं सकते। ठीक है, लेकिन हमें कुछ मिलेगा ही, तो आज भी हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि देखो इंडिया की सॉवरेंटी खतरे में है, कि आज जिनके हम गुलाम रहे फिर उनको हम राजा मान रहे हैं, तो ये कुछ लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं इस बात का। किसी ने सुनी है ये बात? किसी ने ऐसा फैक्ट सुना है या नहीं सुना? ठीक है, चलो सुन लो आज। लेकिन हमारी सॉवरेंटी को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम कॉमनवेल्थ के मेंबर हैं। इसकी मीटिंग होती है चौगम, CHOGM, चौगम। ठीक है, आपने इस पे सर्च करना है, CHOGM, चौगम। हाँ जी, इन्होंने एम्पायर किया कि आप संविधान सभा बनाओ और फिर अपना संविधान लिखो। हाँ जी, इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की शक्ति दी। तो नो एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट पास्ड आफ्टर अगस्त 15, 1947 टू एक्सटेंड टू एदर देयर न्यू डोमिनियन अनलेस इट वॉज एक्सटेंडेड बाई लॉ ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द डोमिनियन। कहते 15 अगस्त के बाद कोई लॉ नहीं पास किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, इस एक्ट के तहत, क्योंकि इन्होंने ये इट सेल्फ भी खत्म कर दिया था, मतलब 1947 इसमें लिखा था खुद कि ये बस इस काम के लिए है, आजादी देने के लिए, इसके बाद ये खुद भी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, बिल्कुल सही है जी, चौगम मीटिंग होती है। हाँ जी, जो पोस्ट थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की वो भी खत्म कर दी गई। हाँ जी, इन्होंने सारे जो फंक्शन थे वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर उनको सौंप दिए गए। ठीक है, इट प्रोक्लेम्ड द लैप्स ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर इंडियन प्रिंसली स्टेट। ठीक है, तो ट्राइबल एरिया सभी पे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की चलती थी कि आप हमें राजा मानिए, आपका, हमारे राजा को कहते थे कि हम आपके हेड हैं, हमारा राजा है वो आपका इंचार्ज है, वो भी खत्म कर दिया। और इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को इंडिपेंडेंस दिए इस एक्ट के तहत। और गवर्नेंस इन्होंने बनाई, डोमिनियन एंड प्रोविंसेस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, न्यू संविधान बने। हाँ जी, इन्होंने ब्रिटिश जो राजा था उनसे जो विटो पावर थी बिल वाली वो सारी खोली, तो ये गवर्नर के पास रखी, गवर्नर जनरल की। ठीक है, लेकिन जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल था, वो रिजर्व रख सकता था
अपनी मजेस्टी के लिए, अपने राजे रानी के लिए रिजर्व करता सकता था बिल। तो ये आज भी प्रोविजन है। आपको पता है किसी स्टेट का गवर्नर राष्ट्रपति के लिए बिल को रिजर्व कर सकता है? तो कितना आर्टिकल है उसका, कितना आर्टिकल है कि किसी स्टेट का गवर्नर राष्ट्रपति को भेज सकता है, बिल उनके लिए रिजर्व कर सकता है? मैंने कराया आपको, 200 है, जहां देख लो कोई शोर है अंकित, 200 है, चेक करो, चेक इट। मेरे ख्याल में 201 है। देखो आप, 200 है जन, 201 है, देखो चेक करो, बेरेक्ट है आपके पास, बेरेक्ट, देखो देखो चेक करो। ओके चलो, 201 है, तो ये तो सही बात है। फिर गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है। चलो ठीक है, ये आज भी प्रोविजन है। इट्स डेजिग्नेटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड प्रोविंशियल गवर्नर एज ए कंस्टिट्यूशन नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इस एक्ट के तहत जो गवर्नर जनरल थे और गवर्नर थे स्टेट्स, उनको नॉमिनल हेड बनाया गया। तो आज भी नॉमिनल हेड है वो, राष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गए सभी स्टेट के, वो नॉमिनल हेड है। नॉमिनल हेड को लैटिन वर्ड में क्या कहते हैं? नॉमिनल हेड को क्या कहते हैं, लैटिन वर्ड क्या है उनका, बोलो। मैंने करवाया ये आपको, ये ग्रेट सिक्सर बाई अंकित, डी जोर, डी जोर इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। डी जोर, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आर डी जोर एंड पीएम एंड सीएम आर डी फैक्टो। ठीक है, तो आप सभी को बहुत बहुत ब्लेसिंग। मोनिका का भी सही आंसर है, हर सिमरन और रोहित, ठीक है, जोबन, ठीक है, सभी का सही आंसर है। और इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो इन्होंने ये टाइटल ड्रॉप कर दिया, एम्परर ऑफ इंडिया। पहले जो इनकी राजा रानी थी उनको एम्परर कहते थे। चलो मेरा आपसे क्वेश्चन है, जिस समय देश आजाद हुआ 1947 में, उस समय इंग्लैंड का राजा या रानी का नाम बताइए क्या था। बोलो, ये बताओ मुझे क्या था उस समय उनकी राजा या रानी का नाम क्या था। क्वेश्चन इज क्लियर, बोलो बेटे, क्वेश्चन इज क्लियर। गूगल पे सर्च कर रहे हैं लगता है आप। जय हो गूगल बाबा। देखो मैं बिना गूगल से बताता हूं, ठीक है, क्या नाम था उसका? हाँ जी बोलो, क्वीन एलिजाबेथ। कुछ बच्चे कह रहे हैं क्वीन एलिजाबेथ, कुछ कह रहे हैं एलिजाबेथ। क्वीन जरूर लगाओ साथ में, सुंदर लगता है।
ओके, बाइबल में भी है ये। कल मैंने पढ़ा था 136, ठीक है। उसमें इजरायली कुछ पश्चाताप कर रहे हैं, आप चेक करो गूगल बाबा में। मुझे नहीं लगता क्वीन एलिजाबेथ होगी उस टाइम। हाँ, चलो, मेरे हिसाब से तो जॉर्ज सिक्स राजा था, सिक्स जॉर्ज, जॉर्ज सिक्स, ठीक है। तो आप सभी का गलत जवाब है, जॉर्ज शेमा, ठीक है। जॉर्ज सिक्स राजा था इंग्लैंड का, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ टू एस टाइम है, और जिस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी पूरे 1600 में, उस समय क्वीन एलिजाबेथ थी फर्स्ट, अब है क्वीन एलिजाबेथ टू। जब देश आजाद हुआ तो जॉर्ज सिक्स राजा था, जॉर्ज सिक्स, जॉर्ज शेमा, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर है। तो ये सारे लड्डू मेरे बनते हैं, क्यों? क्योंकि मैंने गूगल बाबा से सर्च नहीं किया। एक था कि इन्होंने अपॉइंटमेंट सिविल सर्विस की बंद कर दी, ठीक है, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उनकी पोस्ट भी खत्म कर दी। ओके, थैंक यू सो मच। यह चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। तो हम मंडे को पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये दूसरा चैप्टर है, ठीक है। तो ये थोड़ा टिपिकल थे ये चीजें, पहले मैं आपको सारा संविधान पढ़ाया, ठीक है। तो ये चीजें पहले इसलिए नहीं कराई कि आप बोर हो जाते, क्योंकि आपको सिस्टम का ही नहीं पता था। अब आपको सिस्टम का पता है तो आपको अच्छा लगा होगा ये चीजें। अदरवाइज ये मैं फर्स्ट डे कराता तो फिर आप शायद भाग जाते कि यार ये नहीं होगा हमारे से, ठीक है। तो ऑलवेज आप पहले इजी से डिफिकल्ट जाएं, इजी से डिफिकल्ट जाएं, क्योंकि हमें तो आता है ये चीज लेकिन आपको नहीं आता। आप इसमें दिक्कत पाते हैं। हाँ जी, चलो जी, ठीक है, गुड नाइट, कल मिलेंगे मंडे को। थैंक यू सो मच।